तो हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टेक फॉर। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि व्हाट्सएप पे आप हिंदी में मैसेज कैसे भेज सकते हैं। कई बार क्या होता है फ्रेंड, अगर आप व्हाट्सएप पे किसी को हिंदी में मैसेज भेजना चाहते हैं और अपने कीबोर्ड पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे जो है हिंदी वाला ऑप्शन ही नहीं आता है। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आज की वीडियो में यही बताने वाला हूँ। तो जैसे कि मैंने कीबोर्ड को जो है ओपन कर दिया है और यहाँ पे ये देख लीजिए, मैं चाहता हूँ कि हिंदी लैंग्वेज में यहाँ पे कुछ लिखा जाए। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज है ही नहीं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज जो है आप कैसे ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे ये देख लीजिए, कीवर्ड के बगल में सेटिंग का ऑप्शन आता है। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन आता है, तो ये सेटिंग वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये देख लीजिए, ऊपर में लैंग्वेज का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देख लीजिए, यहाँ पे दो लैंग्वेज पहले से सिलेक्ट है, तो यहाँ पे ये देख लीजिए हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट नहीं है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे ऐड कीवर्ड पे आपको क्लिक करना है और ऐड कीवर्ड पे क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे ये देख लीजिए हिंदी लैंग्वेज का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, तो सिंपली हिंदी पे क्लिक करते हैं और इसको ऐड करते हैं। और यहाँ से आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये देख लीजिए, इस पे टिक है, अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं तो उसको हिंदी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो फिलहाल मैं हिंदी पे टिक करता हूँ, हिंदी में ही लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने टिक कर दिया है और ये देख लीजिए डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब सिंपली बैक आते हैं और यहाँ पे ये देख लीजिए अर्थ वाला गोल सा आइकन है, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से ये देख लीजिए लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पे स्पेस वाले बटन पे आपको लॉन्ग प्रेस करना है, यहाँ से भी आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। अभी मैं हिंदी में लिख के आपको बता रहा हूँ, ये देख लीजिए, ये इंग्लिश में लिखेंगे हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं आपको हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट कर देता हूँ दूसरा वाला, तो ये देख लीजिए ये दूसरा मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ से आप कुछ भी हिंदी में भेज सकते हैं किसी को मैसेज इस तरह से। तो आज की वीडियो में मैं यही बताने वाला था कि व्हाट्सएप पे आप किसी को हिंदी में मैसेज कैसे भेज सकते हैं और अपने कीवर्ड में हिंदी लैंग्वेज कैसे ऐड कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। तो आज के लिए बस इतना ही।